स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग एंड जो भी हमारा वीडियो देखे उसके लिए, काफ़ी दिनों बाद ऐसे फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है हमारा और आपका। क्योंकि अभी एग्जामिनेशन आने वाला है, मे बी अभी तो अब मई में एग्जामिनेशन आने वाला है और ढेर सारा पढ़ना है, तो जिस वजह से अभी थोड़े से हम व्यस्त रहेंगे अपने एग्जामिनेशन में। क्योंकि अपना जो टारगेट है ना कि मतलब परसेंट के ऊपर लाना है इस बार थर्ड ईयर में, आप लोग भी कुछ उद्देश्य तो होगा ही ना कितने परसेंट लाना है। मेरा तो खैर 80% ऊपर लाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 80%। आप लोगों का क्या होगा कमेंट करके बताइए कि कितना परसेंट आपका मतलब कितने परसेंटेज जो है आपको लाना है, चाहे आप मतलब जिस भी क्लास में हो उस क्लास में आपका कितना परसेंट हम चाहिए आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैंने तो आप लोगों को बता दिया है और आप लोग बताइए, मतलब मेरी जो पढ़ाई लिखाई हुआ तो अच्छी चल रही है। फिलहाल मैंने 2 यूनिट अभी पढ़ा हुआ है, अभी सब चल रही है, फुल ओवरऑल मिलाकर मैं कहूँ तो पढ़ाई लिखाई जो है कि अच्छी चल रही है। फिलहाल देखा जाए तो मेरे पास जो है कि करीब करीब 40-43 मतलब वो तो है ही, मतलब मांग चलिए कि 35 दिन से कम का ही टाइम बचा हुआ है, और इन 35 दिनों में मांग चलिए कि ये हमारा 35 दिन बचे हुए हैं, इसमें जो है करीब हमें 40 यूनिट पढ़ना है। ठीक है, मांग चलिए इसमें कुछ यूनिट हमें याद भी है लेकिन उसका रिविज़न, और बहुत सारे यूनिट हमें याद भी नहीं है, बहुत सारे यूनिट हमें पढ़ना बाकी है। ठीक है, तो अभी उस हिसाब से मैं जो मतलब पढ़े हुए मेरे यूनिट्स हैं अगर मैं उसको प्रिपेयर कर लेता हूँ या फिर उसको याद कर लेता हूँ, तो जो नहीं पढ़े हुए यूनिट है उसको बाद में भी याद किया जा सकता है। ठीक है, तो इस वजह से मैं अभी जो भी पढ़ाया गया है बस मुझे जो है कि कैसे कैसे मतलब तो पढ़ रहा हूँ। तो बताइए कि आप लोग किस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं, या फिर कुछ बेटर स्ट्रेटजी हो तो वो बताइए, है कि नहीं। मेरा ही तो स्ट्रेटजी यही है कि जो पहले पढ़ाया गया है पहले उन्हीं को जो है याद करो याद करो याद करो, इसमें बस पढ़ो एग्जामिनेशन टाइम उसको पढ़ेंगे, जब रिवीजन होगा तो काफ़ी जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी अपनी कुछ बातें कि किस तरह से पढ़ना चाहिए। मैं तो पढ़ रहा हूँ अपने स्ट्रेटजी के अनुसार, आप लोग भी पढ़िए खुद की स्ट्रेटजी के अनुसार, क्योंकि अब टाइम तो नहीं बचा हुआ है, अब देखते हैं एग्जामिनेशन तो आने वाला है, कब प्रैक्टिकल पहले होता है फिर प्रैक्टिकल बाद में होता है, जो भी हो लेकिन वो तो पूरा हमें फोकस कर पर ही, तो उस पर ही पूरा फोकस होना चाहिए कि केवल 1 महीना ही बचा है, 1 महीने के बाद हमारे एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आप दोनों ऐसे बराबर मिलते ही रहेंगे अबाउट एग्जामिनेशन के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोगों का कोई सवाल होगा तो कमेंट बताइए हमें कि क्या स्ट्रेटजी है फॉलो करना चाहिए, कुछ सजेशन देना हो तो सजेशन का मेरी तरफ से वेलकम है। एंड आपके भी कोई कुछ डाउट हो या फिर जो भी कुछ सवाल हो आप हमें पूछ सकते हैं, हम भी कुछ सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अब अगले टॉपिक पे, या फिर जब भी मिलते हैं अगले दिन चर्चा किया जाएगा परीक्षा पर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए